Today we are going to start a new topic, electric clocks, which is very important for this unit, electrostatic unit. By both important electric clocks. चलो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिक क्लॉक्स को जहां अच्छे से समझा सके बुझ देवा है इलेक्ट्रिक क्लॉक्स आउ लेटर ना हम के आउ वाला पर हम मैग्नेटिक क्लॉक्स के बारे में पढ़ेगा है तो आज जो एटा होची इलेक्ट्रिक क्लॉक जे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़छन दे सो एटा इलेक्ट्रिक क्लॉक्स इलेक्ट्रिक क्लॉक्स इलेक्ट्रिक क्लॉक्स देखो बहुत सिंपल जिंस है एटा यदि हमें धीरे धीरे करके बुझा ताले बुझा मत हम कोई डिफिकल्टी किसी ना बाऊ चाहूं नहीं हम बगैर वोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस अच्छी वोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस अच्छी इनिशियली एटा वोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस ओके एठी हम कोन करबा ओका मोट के चेंज कर दियो छी एटा ओटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस तार इंटेंसिटी केते अछि हमर एठे ई वेक्टर अछि हैला हमें कोन करबा ने बिले एठे ओटे सरफेस को रख देबा ओटे सरफेस को जस्ट हम प्लेस करबा के भीतरे ओटे सरफेस को हम प्लेस करबा एठे तो एटा ओटे सरफेस अछि ना ओके आ ओटे छोटो सरफेस रख दे हम एठे जस्ट हम ओटे सरफेस को हम ऑप्शन दे तो केतरे सरफेस अछि हम पकरे को दिरे सरफेस अछि तो देखो एबे टिके मन करा एडे सब इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस एम के बाहर जाय छी हमरो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आ एडे हम कोन करले सरफेस सुनि के प्लेस करले तो सरफेस सुनि के प्लेस करले ए जो सरफेस देखो जो ए सरफेस रे केतेटा इलेक्ट्रिक हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट तो केतरे पासिंग होची ना 1 2 3 4 तो रे कोन होला एर केतरे पासिंग होची 4 चारटा पासिंग होची सिमिलरली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रे आ गोटे सरफेस हम रखछन दे ताको भी सेम एंगल रे रखछन दे तो एटा केतरा पास होची को दीटा पास होची तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्लॉक्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्लॉक्स ताले मु जे कहबी पिलो माने ए सरफेस रो ए जो बडो सरफेस रो बडो सरफेस रो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स केते तो आंसर कोन होतो 4 बिकॉज 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस ए जो स्मॉल अछि स्मॉल रो केते होबो तो कोन कहबो 2 बोली कहबो कोन कहबो तमे 2 तो ए जानी पड़छ ना इलेक्ट्रिक क्लॉक्स कोना ना इलेक्ट्रिक क्लॉक्स होछि ओटे इलेक्ट्रिक फील्ड दिबो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड आइसिबो से इलेक्ट्रिक फील्ड जा जाउतबो 100 दिबो 1000 दिबो 10000 दिबो जा दिबो आमे कोन करबे गोटे सरफेस को लेके प्लेस करबा से सरफेस थ्रो देखि जति कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास होतबो दैट क्वांटिटी बट दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्लॉक्स सिंपल इज राइट हमरो बुझा पड़ लागे ओके आमे आ गोटे एग्जांपल कंसीडर करके नेबा गोटे एग्जाम्पल कौन सा बनाओ पहले मैंने ये डाल गोटे गोटे विंडो अच्छी झरका वो अच्छी विंडो मतलब घर का गोटे कांथ रे गोटे झरका डे हमारे डाल अच्छी लाइक एम डी अच्छी ये डाल घर का कांथ डा ये डाल जो घर का कांथ डा अब ये ठे हमारे कौन अच्छी गोटे विंडो अच्छी हमें ये गोटे विंडो वो रख चंदे तो ये जो विंडो डाल अच्छी से विंडो ठीक एम डी ओपन अच्छी एडा हम जो विंडो डा ओके बुझा पड़ गया हमारे एबे हम बाहर कोन जाउ छी ना पवन जाउ छी बुझा छी ना पवन जाउ छी ना बाहर उधर एयर फ्लो हो छी तो से एयर फ्लो छी एयर कोन को छी एंट्री कर छी तो जति की अमाउंट ऑफ एयर एंट्री करबो जति की अमाउंट ऑफ एयर एंट्री करबो से अमाउंट ऑफ एयर को हम कोन कहबा कहला फ्लक्स बोलबा त हम कोन कहबा फ्लक्स तो फ्लक्स हो छी पुरे गिवन सरफेस गोटे गिवन सरफेस भितरे गोटे क्वांटिटी एंटर कर दैट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को हम कोन कहबा फ्लक्स एडी जेम के हम कोन हला एडा थला सरफेस सरफेस भितरे कोन होला को इलेक्ट्रिक फील्ड होला त हम कहबा क्लॉक्स और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स कहबा एडा हम कोन जाउ छी एडा गोटे सरफेस थिला सरफेस थ्रू दे कोन जाउ छी हमर एयर जाउ छी त हम कहबा एयर क्लॉक्स कहबा लाइक मु त हम कहबा वाटर पिल माने गोटे टेप लेके पळे गेले गोटे पाइप लेके जाउ छी एडा गोटे पाइप रे ए पाइप रे हम कोन कहबा वाटर फ्लो करबा तो वाटर फ्लो करले जति के अमाउंट रो वाटर हम ने टू बाहर के आसीबो जति के अमाउंट रो बाहर के आसीबो से वो ऐसा को हम कोन कहबा कहले पले फ्लक्स कहबा ओटे कोन बाहर जाउ छ वाटर त हम वाटर फ्लक्स भी कर परबा तो ओटे ओटे रो बारे आइडिया रूम मिलि जाइछ फ्लक्स माने कोन फ्लक्स माने क्वांटिटी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हला अमाउंट बुझा पड़ले लागबो तो एटा आसीला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एबे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि देखबा
इलेक्ट्रिक प्लस को फैक्टर उपर हम डिपेंड करछि माने इलेक्ट्रिक प्लस केते बेले इंक्रीज होबो केते बेले डिक्रीज होबो का का पर डिपेंड से करछि। तो देखो ये समझते लाइक इलेक्ट्रिक प्लस तो लिख देबो डेफिनेशन हम माने दो छबे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखबो मिले इलेक्ट्रिक कोन लिखबो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विथ ए सरफेस लिंक विथ ए सरफेस इज लिंक विथ ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बुझा पड़ा डेफिनेशन कौन कहला जी अमाउंट जो अमाउंट नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक टू द सरफेस नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और से सरफेस ता ए सरफेस ता कोन थोर अछि ए सरफेस ता इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रह गेल अछि तो की बला एबे देखबा को को फैक्टर ऊपर से डिपेंड करछ फैक्टर ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स को फैक्टर ऊपर डिपेंड करो छी फास्ट फैक्टर चिका को डिपेंड करो छी देखो बिले तुम नीचे कर परबो देखो एठे हम केतरा थला जे चैप्टर थला ए केतरा थला डेढ़ आला त माने एठे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते अछि 2 एठे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते अछि 4 त माने 2 रूप 4 इंक्रीज हला ने को केते बले इंक्रीज हला जता एरिया इंक्रीज हला त माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता का ऊपर डिपेंड होछि एरिया ऊपर मोर इज द एरिया मोर इज द क्वांटिटी आमे धर छोटो छोरक आम घरे गो छोटो छोरकाटे बनी छथि तो अल्प अमाउंट रे आसो बड़ छोरका बनी छथि कोन हो अधिक आसीबो ताले जो फ्लक्स क्वांटिटी का का को डिपेंड हला एरिया ऑफ द सरफेस को डिपेंड हला लियो से जाने तो गुटे डिपेंड होछ का पर डिपेंड होछ एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस पर से हमरा डिपेंड हला। अच्छा आलो देख पाबे देखो बिले जदी हम घर रो झरका रे हम घर रो झरका रे कोन छ ना बिले 2 मिनट पर स्लोली पवन आछ और हम घर रो कबाड़ा हम खुल देला कि बाहर कोन हो जुल हम जो एयर फ्लो हो छी से एयर ता 2 मीटर पर सेकंड रे हो छी त माने हम घर को 2 मीटर पर सेकंड स्लोली एंट्री करबो माने हम घर रो फ्लक्स कोन हो जबो स्लो हो जबो यदि सिमिलरली हम घर पर कहत रहबो 8 मीटर पर सेकंड रे पवन फ्लो हो माने बहुत हाई स्पीड रे एयर फ्लो हो जबो त हम घर कोन हो अधिक एयर आसबो त माने एबे झरका देखो झरका सेम हो छी घर रो विंडो सेम हो छी बट जदल हाई स्पीड रे पवन फ्लो हो अधिक पवन आसबो लो स्पीड रे हो कोन आसबो लो आसबो त माने सेडा भी कम बेसी हला तो का पर डिपेंड होला से हम तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करला का पर डिपेंड करला इंटेंसिटी ऊपर भी डिपेंड करछ जति हाई स्पीड रे जेबो से हिसाब देखो मु एबे याकु नेके गुटे एग्जांपल तुम देखै दउ छी एठे देखो इडी जो अछि ए जे सरफेस अछि ए इटा होछ हमर को बहुत गुडे लाइन अछि माने बहुत क्लोज टू अछि माने इटा होछ स्ट्रॉंगर फील्डटा इटा होछ हमर कोन स्ट्रॉंगर इलेक्ट्रिक फील्ड इटा जे वाइडर अछि त कोन को कहबा वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रे कहबा इटा होछ वीकर टा हमर मु ए सरफेस ते तोले ए स्ट्रॉंगर रे रखि छि केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि हमर चैप्टर अछि ताको मु ट्रांसफर कर के नेकी पळे आसिले मेडी तोई पळे आसिले सेम साइज हरी प्लस ने बडेटा केतरा अछि को डीटा अछि पांच डाम को डीटा अछि सो हमें भी कोन जानले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार केते हेला ने दू हेला बट हमें कोन चेंज करछन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रो इंटेंसिटी चेंज करछन एटा थिला स्ट्रांग इंटेंसिटी एटा थिला वीक इंटेंसिटी सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ का पर डिपेंड करछि इंटेंसिटी पर डिपेंड करछि आ का फास्ट का पर डिपेंड करला एरिया ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करला माने ए ऊपर डिपेंड करला तब का करला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करछि intensity of electric field that is e ऊपर से डिपेंड होछ ना को कुछ करना है। अच्छा नेक्स्ट की बात है नेक्स्ट अब का पर डिपेंड होछ एंगल ऊपर डिपेंड होछ का पर डिपेंड होछ एंगल ऊपर डिपेंड होछ देखो लाइक तुम अपन आई पले हमर इठे एयर आछ गोटे जगह रे पवन हमर एडे इलेक्ट्रिक फील्ड चलो लिफ्ट फील्ड जगह हम जब बाहर आछ तो जदि आमे को सरफेस को नेकी रखि दबा एमे आमे सरफेस को नेकी आमे रखि दबा सो या भीतर एंट्री करबो तो जतरा एंट्री करबो सेति के आमे काउंट करबो त रे सरफेस हम एमे रखि दे ताले पर एंट्री करबो के त मोटा डा हो जाछे आमे एग्जांपल ले हिसाब रे आमे नेकी पळेबा विंडो रे किबा घर रो झरका रे भीतर अछि बिले पवन डा सेल आसु छी सो घर एंट्री करबो जतु एंगल डा अछि मु बे झरका रे कम करले एमे नि फुले दे जेबे त
तो अबे पवन ना कौन अच्छी यार अच्छी झरका ना कौन अच्छी एप्पल अच्छी पवन एंट्री करी बगैरे ना तले कौन लगा को जित्ती की हाई स्पीड रे भी हमारे एयर फ्लो ले भी हमार को एंट्री करी बगैरे आमु कुछ फ्लॉक्स मिले बगैरे ना आमु फ्लॉक्स मिले बगैरे कौन पे फ्लॉक्स मिले बगैरे बिकॉज़ वो चेंज द एंगल तो एंगल ऊपर डिपेंड कर छी बुझा पड़छ ना एडे तो थार में का पर डिपेंड कर छी एंगल ऊपर डिपेंड कर छी एंगल ओके एंगल माने कोन लेखला थीटा लेखला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मो बेसी तो मु क्लास कर के जाउने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होछि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जति की इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होतबो ता नंबर टा को हम कहबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पर डिपेंड होछि एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड होछि आ का पर डिपेंड होछि इंटेंसिटी पर डिपेंड होछि आ का पर डिपेंड होछि एंगल ऊपर डिपेंड होछि हला बे तो मैथमेटिकल लिखबा हम सो मैथमेटिकल हम फार्मूला मिल जबो मैथमेटिकली मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का का डिपेंड है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड होती है ना का डिपेंड होती है इंटेंसिटी हला अ दैट इज कोन हिबो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छा मु इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल होची फाई कोन फाई तो फाई प्रोपोर्शनल टू कोन आसला इ हमरा ई फाई कोन आसला ई आसला ता पर कोन आसला इ ना एरिया ऑफ द सके केना इक्वेशन नंबर के टाइम हमरा 1 इक्वेशन नंबर 1 ता पर आसो कोन इटे कहलो सेकंड आ का पर डिपेंड होची इट डिपेंड्स अपॉन माने फाई एरे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डिपेंड्स अपॉन एरिया एरिया माने कोन का जगह सरफेस का है सरफेस तो ए लिख लो हो एस लिख लो हो मु एस लिख छी भाई एस एस माने में सरफेस हमर तो एला इक्वेशन नंबर के दस लाख टू आ का पर डिपेंड हो छी तीन नंबर फैक्टर ता ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए जो मैग्नेटिक फ्लक्स पड़े तो फाई बी लिखवा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़छन फाई तो फाई प्रोपोर्शनल टू कोन आसला फाई प्रोपोर्शनल टू एंगल एंगल माने मु जस्ट खाली लिख दो छी प्लस थीटा sin थीटा cos थीटा तबले मु मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करला तो होते तो एटा हला कोन हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स केतना फैक्टर पर डिपेंड करछ तीनटा फैक्टर पर डिपेंड करछ क्वेश्चन जे आसीबो इंटेंसिटी पर डिपेंड करछ डायरेक्टली सरफेस पर डिपेंड करछ डायरेक्टली एंगल ऊपर पर डिपेंड करछ से का पर डिपेंड करछ एंगल ऊपर से हमर एटा डिपेंड करछ ओके मु चला एंगल ऊपर लिखुनी एंगल टा को लिखुनी हो बुझा पड़ला तो केतना पर डिपेंड करछ दीटा पर डिपेंड करछ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फा ई इक्वल्स कोन आसीबो फा ई प्रोपोर्शनल टू आसीला ई एस कोन आसीला इडे ई एस रि फा ई इक्वल्स टू ई एस ई एस हले तो देखो एडी समझते तो एडी जो आसीला एडा हला हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो एडा फार्मूला इक्वेशन नंबर केते ना लगा 3 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन आसीला फा ई फाई माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी बा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अछि इनटू जो सरफेस एरिया तर अछि एबे देखो इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म हिसाब रे हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा कोन कहले बले ओटे वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी सो फाई इक्वल्स टू रे बेटे ई वेक्टर डॉट कोंडर बेटे एस वेक्टर e वेक्टर डॉट s वेक्टर इडा कोन हमरा इलेक्ट्रिक फील्ड s टा कोन हमरा एरिया वेक्टर तुम कहबो सर एटा एरिया वेक्टर केम देगला मु कते बिषय इंसर्ट हम जस्ट बतो छरे e इनटू s वेक्टर बट ता पूर्व एटा तुम देख दियो फाई e इक्वल्स टू एटा e डॉट s ना तो डॉट प्रोडक्ट मान कोन जबो e s cos थीटा e s कोन आसला एटा हमरा cos थीटा इक्वेशन नंबर केते एटा हमरा आइ सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला तुम जान ले पालो जदि खाली मैग्नीट्यूड हिसाब रे पचा छि एटा तुमरा तमो यदि वेक्टर हिसाब से पचा छि फाई कॉस ई डॉट एस पकेबो तो तुम बोल कोन पचा छि एंगल रो किछि गोटे देछि तुम वैल्यू देछि तले फाई कॉस कोन आसे रे ई एस कॉस थीटा तो एटु मो हिसाब रे मो जति को आशा करछि तुम सब जगह रे बुझे दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन अमाउंट ता से अमाउंट पर हम फार्मूला कोन ई इनटू एस मन धरो एटा हला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड एर स्ट्रेंथ के दछि ई एटा हम कोन रखछि गोटे सरफेस रो छथि तो सरफेस रो वेक्टर एरिया के दछि हमरा एस अछि सो एने केतना लाइन पास है किबो केतना लाइन पास है तो हम ये फार्मूला पकड़ के बाहर कर पाइबा हैले तो एबे ए डाउट रहला एस वेक्टर एस माने कोन है हमरा एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर ना केम चला देखियो हमें
एरिया फैक्टर कौन है प्रीवियस क्लास जति को जन पढ़ती हो एरिया डा कौन थला हो वेक्टर क्वांटिटी सॉरी स्केलर क्वांटिटी एरिया माने कौन थला हमरा स्केलर क्वांटिटी थला लाइक एठे जना मु पिले को छैली एठे गोटे क्यूब ने की जाउछ मोटा एटा गोटे क्यूब एटा गोटे क्यूब है तो जो क्यूब रे केतरा सरफेस अछि को ना एटा गोटे सरफेस अछि 1 एटा गोटे सरफेस अछि 2 एटा गोटे सरफेस अछि 3 एटा गोटे सरफेस अछि 4 एटा गोटे अछि कोन 5 आ बाहर ता जोडा अछि हमरा आउटसाइड ता एटा जे हमरा केते 6 गोटे होछि ऊपर 5 तळा 1 एपटा 2 रे 4 चपटा होछि 3 एपटा होछि 6 हला एडे इलेक्ट्रिक प्रोसेस तो मु कहि देबे ए जो सरफेस अछि ए एरिया रो ए सरफेस एरिया केते हबो ना ए सरफेस एरिया हबो लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ अतर एरिया फैक्टर टा कोडा हबो बोले तुम कहबो आउटसाइड टा कोडा हबो आउटसाइड टा तार माने ए जो बाहरी को इलेक्ट्रिक बिल एडा हबो तार एरिया फैक्टर एडा हबो तार एरिया फैक्टर सिमिलरली एडा बड़ सरफेस अछि ए सरफेस रो एरिया फैक्टर टा कोडा हबो ए सरफेस रो एरिया केते हबो ना एरिया हेजिबो लेंथ इनटू ए ब्रेथ को तो तुम बट तार एरिया फैक्टर टा कोडा हबो मतलब डायरेक्शन टा कोडा हबो तार डायरेक्शन हबो तार परपेंडिकुलर बुझा पड़ला तो एरिया माने कोन एरिया माने लेंथ इनटू ब्रेथ अतर एरिया रो वेक्टर एरिया कोन लागि छै वेक्टर माने डायरेक्शन लागि छै तो डायरेक्शन ता कोन हो ता डायरेक्शन हो सरफेस रो परपेंडिकुलर एबे तोरा एटा बड़ सरफेस अछि ए सरफेस रो एरिया केतना हो ना लेंथ इनटू ब्रेथ अतर डायरेक्शन ता कोन हो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए डायरेक्शन ता कोन हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्लियरली बुझा पड़छ ए डायरेक्शन कोन हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ता माने एरिया एबे तुम गोटे कांसेप्ट मिलले नुवा रे जेंसन मिलले माने आदि तो तुम सब बेले एरिया माने गोटे वेक्टर क्वांटिटी बिल पड़िबो नहले तुम किछ भी क्वेश्चन कर पाइबनी तो देखो एरिया एबे लाइक एटा एटा मो हातटा एटा मो हातटा हला ए हातटा कोन अछि गोटे एरिया अछि तो ए एयर वेक्टरटा कोटा बा ए एयर डायरेक्शन कोटा एटा होछ डायरेक्शन आउट पर बुझा पड़ला एटा होछ बोर्ड व्हाइट बोर्ड ता ए व्हाइट बोर्ड डायरेक्शन कोन अछि आउट पर सीलिंग आपण आउट पर तळ फ्लोर रो ऊपर माने जे कोसी एरिया रो डायरेक्शन ना कोडा कर तुम को कहो परपेंडिकुलर रहो हैला एति किंसो तुम जानले तमन हे गेला आबे हैला तो देखियो आबे आगो जीवा त लिखियो से जा विषय जे बने एरिया वेक्टर ता कोन हमरा एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैला इट हैज डायरेक्शन इट हैज direction perpendicular to its surface perpendicular to its surface perpendicular to its surface just khali surface ta line edi dekho edi thara gote surface achi bile ye surface ne ko ye surface area vector kar rebo aa kar rebo hala to thara edi thara mod surface karchi ene एडे रो सरफेस टी पडछि ए सरफेस एरिया कटा कर देबो आउट कर देबो माने 90 डिग्री रहबो हले तो एटा तुम को जान देले हम बाकी सो हेला मु अवश्य तुम गोटे 312 बार मु रिपीट कर दछि ने हम इसडा वीडियो रे भल लागतो न लागतो सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन कोन फार्मूला मिलला पय न इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला हम ले लेले आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन फार्मूला मिलला न फाय फाय ई हैला फाय रो फार्मूला मिलला ई एस कोटे मिलला तापर टिके आगो गला पर हम कोन फार्मूला मिलला फाय रो फार्मूला मिलला ई
वेक्टर डॉट एस वेक्टर तोले हम वेक्टर सिंबल देखियो से आ ता पर फर्दर आगो जे जीवा हमरो तो एते कोन आसीला फाय ई इक्वल्स कोन थला के ई एस cos थीटा कथला के ई एस cos थीटा अच्छा जो तीनटा जे फार्मूला हम बाहर करथले तीनटा जे फार्मूला केते बाहर करथले हमरो जेतेबेले हमरो एम थीला कंडीशन ता एटा पर कंडीशन थला माने इलेक्ट्रिक फील्ड लगे में थिला यूनिफॉर्म थिला और सरफेस भी थिला सरफेस कौन थिला सरफेस थिला सेट कौन थिला रेगुलर सरफेस माने ट्रायंगल हो रेक्टेंगल हो एटा पर थिला त माने ए जो तीनटा सरफेस ए तीनटा सब ए जो सॉरी ए तीनटा जो हमरो इक्वेशन बाहरला फार्मूला बाहरला सर के तोरे पाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और रेगुलर सरफेस पे एटा होची रेगुलर सरफेस पे जेतोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थबो माने एमडी इलेक्ट्रिक फील्ड थबो और रेगुलर सरफेस माने रेक्टेंगल थबो ट्रायंगल थबो एटा रेगुलर तो जनरल सरफेस थबो से केस में हम फॉर्मूला जा पके दबो एबे थबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इरेगुलर सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इरेगुलर सरफेस इरेगुलर सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने सरफेस टा भी इरेगुलर थबो माने मागा दादा आइ थबो और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थबो से केस रे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाहर करबा लाइक कह दिया एटा बटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी एटा बट कोन हमरा इलेक्ट्रिक फील्ड ए ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एटा कोन दिला हमरा नॉन यूनिफॉर्म ना यूनिफॉर्म टा नॉन यूनिफॉर्म टा आ ए जो सरफेस अछि सरफेस टा भी मागा दादा आइ छै यो सरफेस अछि सरफेस तो केन अछि यदि बंका तंगा है अछि त माने मोर कोइ पिले ए भीतर केति के इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो समय को तमे कहबो ये फार्मूला पके देबो कि नै ये फार्मूला पकेला पकबनी या पर टिकके खाली मॉडिफिकेशन अछि कोन अछि साइड टिकके मॉडिफिकेशन अछि तो पर ई लेवल सरफेस तमे कोन कोन बना पिले लिख देबो फाय ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस cos थीटा कोन आसीबो एडा phi equals to integration over e ds cos theta eta hochi irregular surface pai eta kon hobo regular surface pai regular surface pai phi equals to e ds cos theta eta kon hobo e ds cos theta eta kon hochi integration e ds cos theta etike ame bethu jannanti dekhba to eta hala hobo e ds cos theta ka pai irregular surface thibo non uniform electric field thibo to ame e ds cos theta koiba e mane electric field ds mane kon ds माने कोन कि सरफेस एरिया थिला आ ds माने स्मॉल एरिया आ cos थीटा माने एजुअल एंगल आ phi माने कोन एजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली गोटे जो चेंज चला रे ds माने स्मॉल एंगल आ माने स्मॉल एरिया नै दिबले कोन बाय स्मॉल एरिया नै कि कहले कहलो नै एटा हम स्मॉल एरिया नै कि कैलकुलेशन करबा ता पर आगु जिबा बुझा पड़छ अबे कोन कहले अबे देखबे तो एडा सब जाय छला कोन हमर फॉर्मूला आइला आ उधर पर नॉन यूनिफॉर्म लिखबा और इरेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस हमर फॉर्मूला कोन आसला फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ई डीएस cos थीटा फाई इक्वल्स टू ई डीएस cos थीटा बोले एति की फॉर्मूला हमको बाहर करे पड़बो त मुनी में बराबर हो बोले एति फॉर्मूला जान देला ताले देला फाई माने कोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला देखा es e vector dot s vector or es cos theta nale e ds cos theta bahut common jo hai ya usi jo hai cc dekho ebe jo electric flux for a closed surface electric flux for a closed surface for a closed सरफेस मतलब क्लोज सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करबा त हम जानिबो कि हम जहां जहां सिक्युशन त हम अप्लाई करबा के क्लोज सरफेस माने का मतलब जेडा क्लोज थिबो चारि आड़े ओपन थिले हबन पूरा क्लोज थिबो लाइक गोटे फुटबॉल फुटबॉल रा चारि आड़े क्लोज नै को ताको हम क्लोज सरफेस कहबा नले गोटे हम को कह परबा के क्यूब गोटे कहबा जने इटा इटा रा हम चारि आड़े क्लोज नै को से सब क्लोज सरफेस कहबा तो हम पे सब कन्वीनिएंट कोन हबो हम गोटे क्यूब नै दिबा तो एडा गोटे क्यूब नै दिबा एडा हला गोटे क्यूब ए
क्यूब चार क्लोज अच्छे चारिपट जगह कौन अच्छे क्लोज अच्छे এটা হলো কিউবটা সে কিউবে কত সারফেস আছে তুমি জানছো কিউবে কত আছে কো এই যে ফ্রন্টটা বাহুছি এটা গোটা সারফেস হলো তা তলটা কোন হবো সে কি এটা এটা এই যে তলটা এটা 2 নম্বর সারফেস তা পছটা কত হলো 3 নম্বর সারফেস তা এটা উপরটা কোন হলো 4 নম্বর সারফেস এই সাইডটা 5 এটা হচ্ছে 6 ছড়া সারফেস হচ্ছে তবে এই ছড়া যা সারফেস কো মানে কিউব কো আমি কম করবা গোটে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে ভাগ করে দেবা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে আমি ভাগ করে रहला हमरा इलेक्ट्रिक फिलेंसर प्लस कर देले जे ये इलेक्ट्रिक फिलेंसर प्लस करले एबे देखो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स केतरा सरफेस अछि को छोटा सरफेस अछि तो केतरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मारबो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मारबो तो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलना से फर्स्ट हम सरफेस बाहर करे जे दौड़ सरफेस वेक्टरटा बनाबो को 6 नंबरटा 6 नंबरटा को रखो हमर एटा 6 नंबरटा तो तार एरिया वेक्टरटा का रखो आउट पर एरिया वेक्टर का रखो आउट पर सिमिलरली ऊपर 4 नंबरटा को रखो अपर तोड़े को रखो ये डाउन वन पाचवा नंबर का रहबो एको आसीबो हला आ एटे जो अछि हमरो एक नंबरटा जो फ्रंटटा फ्रंट ऊपर आसी ऊपर बाहर आसी छै हला तो फ्रंट ओले के जे बाहर ओले नो छै हला आ ऊपर जो 3 टा छै 3 टा कोन होसे मिथुन करा छै तर मिथुन जो छै तो केतरा सरफेस अछि छोटा सरफेस अछि छोटा सरफेस छोटा डायरेक्शन में करबी तो हम लिखबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर सरफेस वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर सरफेस वन माने फाई वन लिख दे हैवन फार्मूला कोन पके आमे ई एस cos थीटा ई एस cos थीटा ई माने कोन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के त ई एस एला यूनिफॉर्म ला कैरेट समान रहबो ई एस माने कोन एरिया वेक्टर टा का एरिया वेक्टर ए ऊपर सॉरी 1 बले को राइट है ना तो डायगोनल हमरो एस हला अब cos थीटा माने कोन एंगल टा 1 रो एंगल टा को छ बाहर को छ एंगल टा तो एडी एंगल ला बाहर को छ इलेक्ट्रिक फील्ड से पड़ो छ केते एंगल रे 90 गेला केते असला cos 90 तो cos 90 रो केते सो देखो 0 cos 90 वैल्यू का हमरा 0 आ 0 रो ये 0 0 0 आसला सिमिलरली एटा से कोन phi phi 2 तो phi 2 माने कोन हो सेकंड सरफेस चेक करा तळे अछि तळे कोन हो रे 90 डिग्री हो सो एटा भी हमरा e s cos थीटा e s cos थीटा दैट इज केते सो एटा हमरा e s cos 90 e s केते सो एटा हमरा cos 90 का तळो अछि ने सरफेस चेक तळो अछि cos 90 तो cos 90 वैल्यू डा केते आसना हो रे 0 आसो तब 3 नंबर सरफेस से कोन 90 डिग्री रहछि 5 e 3 एड ई एस केते cos 90 काई cos 90 हला एटा दछु नै को वॉल्यूम डा एटा वॉल्यूम डा आ सपोर्ट तार एरिया वेक्टर अछि एपर इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तो एटा एरिया वेक्टर एटा ना इलेक्ट्रिक फील्ड केते बोल अछि 90 अछि 90 ले केते आसो हम 0 3 होला तब 4 देखो बडे 5 4 4 कोटा ऊपर को अछि ये भी 90 अछि त हम ये भी देखियो 0 इज को 5 इज 6 ए सॉरी 5 5 5 ने एटा 5 अछि ना तो 5 रे कोन अछि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एपडु जाउ छी ये को जाउ छी एपडु अछि केते एंगल अछि देखो थीटा कर तो 180 डिग्री अछि तो 180 डिग्री पर कोन अछि हमर एटे माइनस ई एस अछि को ए माइनस एस को फार्मूला अछि ई एस cos थीटा cos 180 पकेबा आ cos 180 माइनस ई एस इज ओके दे जोड़े माइनस ई एस आ गुटे रहला और लेफ्ट हमर को 5 6 नो 6 कोटा आछ को 6 हो जे कोटा एडे केते लगल छले इलेक्ट्रिक फील्ड आछ पड़ो आछ आ थीटा भी पड़ो आछ त 0 डिग्री हला ने को सो एरे 5 इक्वल्स टू ई एस cos 0 दैट इज cos 0 माने 1 इज को तोरे केते आसला ई एस आसला सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते जीवो ना नेट इलेक्ट्रिक 5 ई लिख दउ छी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब केते हो सब जगह में एडा कर दवा 0 0 0 0 एरे माइनस ई एस एकोन आछ हमर प्लस ई एस केते आसला एरे 0 सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस और ए क्लोज सरफेस इज केते 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज 0 जे तमो क्वेश्चन पचाइबो ए 2017 रे पचाइतला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस केते रहबो तमो राइट आंसर त 0 रहबो कैना सब कैंसिल हो जइबो सब तो हमर कोन हो जइबो एते कैंसिल हो जइबो हला अबे तो हला हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो एबे देखियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट आ डायमेंशन कोन होला
unit is a unit of electric flux. Unit of electric flux. Phi E. कौन आ बोले formula टा formula कौन आ ची ना formula आ ची phi E equals to E into S that implies phi E. Phi E formula कौन जीवो E रे E माने कौन electric field टा हो जाओ हमारा newton per coulomb आउ S माने कौन area vector मेरे जैसे कैसे ला meter square. So electric flux का unit कौन आ सिला इन्वेस्ट ला newton meter square coulomb minus one. न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 एको थी आसला हमरो एसआई आसला सीजीएस पर चला था हमको तो सीजीएस पर सीजीएस पर सीजीएस कोन लिखबो फाई ई इक्वल्स टू न्यूटन जगह पर कोन लिखबो एडे को डाइन लिखबो हला आरो ला मीटर जगह कोन लिखबो एडे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखबो आ कूलम जगह कोन लिखबो अबे स्टार्ट कूलम लिखबो स्टार्ट कूलम माइनस 1 एडा कोन आसला रेसला सीजीएस रे दादा यूनिट पडसला क्लियर बुझा पडला हां एडा दादा हमरो एसआई रे रेसला सीजीएस रे आ तो हम पे टास्क में जो कमेंट डायमेंशन बार करबो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन बार करबो डायमेंशन बार करबो डायमेंशन बार करबो तो कहबो तमे हला तो अबे क्वेश्चन केतरा करबो बजा करबो क्वेश्चन केतरा करबा हमहु आडू के भलो रे बुझा पडजबो क्वेश्चन नंबर 1 लिखवा ए सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the electric field of strength 20 newton per coulomb calculate electric flux calculate karne ke liye question aata kon aste pehle ke surface of area kete 20 meter square is placed perpendicular to the electric field of strength to the uniform electric field. Uniform electric field of strength ऐसे ही दे चाहिए. तो given कौन दे चुका? Given रे का scenario लिख दो. इड़ा है uniform electric field. इड़ा हो जाए हमारा बना uniform electric field. से uniform electric field कौन सा होता है? Surface है. Surface क्या दे चाहिए? Perpendicular अच्छी. Perpendicular मैंने कौन है? हम देना नहीं पड़ा. परपेंडिकुलर माने ए टाइप रो एरा सर परपेंडिकुलर माने ए टाइप रो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाछि आ तो सरफेस हम केमि जाछि एमि जाछि सरफेस हम केमि जाछि एमि जाछि जाछि एरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो आ सरफेस ठीक केमि दिग पासिंग जाछि एरा कोनी परपेंडिकुलर बोले कहो यदि परपेंडिकुलर अछि त माने इलेक्ट्रिक फील्ड कोडा हमरा एडा इलेक्ट्रिक फील्ड केत दिछि 20 न्यूटन पर कूलम दिछि आ एडा हला एरिया तो एरिया रा एरिया वेक्टर कोन रहबो ना धरो एमि दि अछि एडा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जको आ सरफेस टा एमिति अछि तो हम यहां जो सरफेस जे एमिति अछि इलेक्ट्रिक फील्ड ने पर होता बाहर रहबो तो यार जो सरफेस रहला कोर रहले सरफेस टा एस टा केत पर रहले एकड़ रहला केत अछि 20 मीटर स्क्वायर सो ई मिल गेला केत 20 न्यूटन पर कूलम एस केत रहला 20 मीटर स्क्वायर थीटा केत हो गेला थीटा माने आको भीतर एंगल टा एटा हला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एटा हला सरफेस एरिया थीटा केत 0 डिग्री थीटा केत परसला 0 डिग्री सो ए लिख देबा वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला कोन फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा दैट इंप्लाइज ई केते 20 एस केते 20 कॉस केते 0 हला कॉस 0 ला माने कॉस 0 1 हे जइबो आ दैट इज 20 केते 400 कॉस 0 हो जइ 2 1 400 इन कोन को जइले न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 हेला तो एटा आसला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो सिंपल क्वेश्चन का केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटा पास होबो सेकंड क्वेश्चन देखिबा सेकंड क्वेश्चन देखिबा हम एबे
सेकंड क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 2 ए सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल ए सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दे छी हमको ने टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन s x दे छी 10 मीटर स्क्वायर एंड e ये मा इलेक्ट्रिक फील्ड दे छी केता हमको 30 न्यूटन पर कूलम दे छी कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पचा छी हला नो बडे कोन पचा लाय छी ए सरफेस इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर दो फर्स्ट एडा हला इलेक्ट्रिक फील्ड हमरो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब पैरेलल माने मतलब पैरेलल माने कोन रे पैरेलल माने यदि परपेंडिकुलर माने कोन रे एमितिला पैरेलल माने कोन रे एमिति रहबो माने इलेक्ट्रिक फील्ड जमित अछि ताते सोइ गेल रहबो त माने एडा हला हमर इलेक्ट्रिक सॉरी एडा हला कोन हमर सरफेस त एडा हिजो हमर सरफेस तो यदि एटा हमर सरफेस हला माने पैरेलल से सोइ गेल अछि तो हम यहाँ तरह सरफेस जाने सोई भी अच्छी तो तर सरफेस फैक्टर टक कर देगा सोई कैसी ना सरफेस फैक्टर कौन रहेगा तर ठीक ऊपर रहेगा सो इडा हम तरह एस फैक्टर इडा है ना एस फैक्टर इडा कौन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इडा है हमारा ई फैक्टर ई फैक्टर भरो कर दीजिए कि पाएगा 30 न्यूटन पर कूलम दे एस फैक्टर भरो कर दीजिए 10 मीटर स्क्वायर मतलब देख पाएगा एंगल कितना हो एंगल इडा थी कि थीटा कितना स्क्वायर कर दे 90 डिग्री तो थीटा 90 डिग्री आसला त तुम मो से तुम कह दे तो फायर फॉर्मूला कोन ना फायर फॉर्मूला होची ई एस cos थीटा ई केत दे छी हम कोडे 30 एस केत दे छी हम कोडे 10 cos केत दे छी हम को 90 डिग्री आ cos 90 डिग्री होची 0 तर केत आसला कोडे 0 आंसर केत पले आसबो देयरफॉर फाय ई इक्वल्स टू 0 बुझा पड़छ ने को फाय केत आसला 0 और ऑब्वियसली 0 देखा भी जाउ न इलेक्ट्रिक फील्ड सगे तरफ पास जाउ छी से भीतर दे को पास हो छी कि किछ ने आ भीतर दे पास हो माने 0 मन तमे थ्योरेटिकली पढ़ो 0 आसीबो मैथमेटिकली पढ़ो केते बेसो 0 आसीबो बट तमो ने पिले खाली गुटे से ध्यान देबार छी से कोन कहो छी सरफेस इज प्लेस पैरेलल तमे तमे पैरेलल प्लेस करबो प्लेस कर सला पर एस वेक्टर बाहर करबो परपेंडिकुलर को छी परपेंडिकुलर प्लेस करबो प्लेस करला पर तमे बाहर करबो एठे हला त फर्स्ट तमे कोन करबो प्लेस कर देबो प्लेस करि कि सेबी तमे आइडिया लगेबो किटा केते होबो तो ये बड़े क्वेश्चन होला आउ क्वेश्चन करबा आबे आउ क्वेश्चन देखो एटे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन से पहला गिवन ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप ए सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर ए सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर एस वेक्टर एरिया वेक्टर एस वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस j cap minus k cap meter square is placed inside an electric field of strength E vector equals to I cap plus 2J cap plus K cap Newton per coulomb. Calculate electric flux linked with the surface. लिंक टू द सरफेस है ना तो ये सॉल्यूशन हो गया हमें
सॉल्यूशन तो पहले से तुम कौन दे डायरेक्ट फैक्टर दे दी ना एटे तो फैक्टर देले सब तो सहज गिवन कौन दे छी कोजो बिले ने गिवन दे छी सर ई वेक्टर दे छी हमको ई वेक्टर केते छी रे ई वेक्टर दे छी आई के प्लस 2 जे के प्लस केते दे छी बे के इनो दे छी न्यूटन पर कूलम से दे छी एस वेक्टर केते छी एस वेक्टर दे छी 2 आई के प्लस जे के माइनस केते के कौन आसे आइडिया हमरो मीटर स्क्वायर आसे कौन पता छी कहलो एने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता छी तो वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला की बेबा वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो फार्मूला छी फाई ई फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर मने कोजे ने वेक्टर देखो बोले कोन लिखबा तमे बे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर दबो आ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर मने कोन होबे आई के प्लस 2 जे के प्लस के के डॉट 2 आई के प्लस जे के माइनस के के हला तो सिंपली हमर वेक्टर प्रोडक्ट हो तो फास्टर पटटा आई से आई करो रे 1 अछि खाली आई के ना 1 अछि 1 आई इनटू 2 आई के तो खाली 2 प्लस 2 इनटू 1 के तो 2 प्लस 1 इनटू माइनस 1 के तो जुड़े रे माइनस 1 प्लस ला तो 2 2 के तो ला 4 माइनस 1 तो के तो असला 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 के असला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू ओके एला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो वैल्यू बुझा पड़ला एमिति क्वेश्चन में हम कर परबा जे वेक्टर देथबो ताले हम कर परबा हम जे मैग्नीट्यूड देथबो जे कोथला 20 मीटर स्क्वायर ए सब देथला प्रीवियस क्वेश्चन जाबो एक दिन क्वेश्चन जाबो से टाइप रे कॉलम कर परबो ए टाइप रे कॉलम कर परबो ओके एरा होमवर्क तुम लेखो एरा कॉलम तुम पठेबो क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस एडा बड करो क्वेश्चन ने फाइंड द डायमेंशन ऑफ find the dimension of electric flux find the dimension of electric flux it have a question our question number 6 likha given e vector equals to 6i cap minus 2j cap plus 4k cap newton per coulomb and s vector equals to I cap माइनस जे के माइनस के मीटर स्क्वायर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ए तीनटा क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क तुम एटी करबे बार करके मत देखबो बुझला समस्त को तो एटा देखो ए तीनटा क्वेश्चन फटाफट कर दे सब क्वेश्चन जगह गोटे न्यूमेरिकल दे दिमु ओके पढ़े से पढ़ला आ पूरा हो प्रोफिल तो तुम सब जाय जीनियस हैला के भी हम भी भावन के हम बुझ पा लेनी कर पा रेनी कर पा रे जाय तो मुंडे रे तुम खराब कर देबे तो चाहे सब कुछ कर पा रे न चाहे कुछ कर पा रे नहीं तो आज रो क्लास जहां पढ़ाला सब जाय बुझो नहीं बुझो पड़े आउतरे देखो आउतरे देखो तीन तो देखला पर हेई जीव हे गेला पर ए क्वेश्चन जाय तो मेटिंग करियो मते पठेबो थैंक यू।